आजमगढ़ की लालगंज तहसील में आने वाले पारा गांव, जो कि बिल्कुल जनपद का सीमावर्ती क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जहां अब तक इस गांव को लेकर किसी भी प्रकार की वरीयता न देकर निरंतर उपेक्षित किया गया, यहां तक कि कोरोना काल में बड़ी भयावह स्थिति का सामना किया इस गांव ने। वहीं इस गांव यानी कि पारा में एक महिला समाज सेविका अंजना सिंह ने अपने ग्राम वासियों को सुरक्षित करने का हर संभव प्रयास किया। अब स्थितियों से रूबरू कराते चलें कि ग्रामीणों के मुताबिक एक प्रधान गांव का मुखिया होता है, लेकिन अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में वो विफल रहे। गांव में अच्छे रास्ते नहीं हैं, शासन की सुविधाओं का कोई बेहतर कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में महिला समाज सेवी अंजना सिंह गांव की हर सार्वजनिक समस्या को गंभीरता से ले रही हैं और उनके निराकरण हेतु जिले के अधिकारियों और बड़े जनप्रतिनिधियों को अपने गांव की समस्याओं का हाल भी बता रही हैं। बताते चले कि कोरोना काल में इस साहसी महिला ने अपने पराक्रम का जो जौहर दिखाया वो दृश्य ही देखने बनता। उन्होंने पूरे गांव में सैनिटाइजेशन करवाया, गरीब परिवार को भोजन मुहैया कराया, असहाय बेटियों की शादी में भी सहयोग किया, ग्रामीणों को तौलिया वितरण, प्रति ग्रामीण को फेस मास्क, घर घर राशन का किट वितरित करवाया, स्वच्छता के मद्देनजर बहुत सारे कार्य किए जिसे पारा गांव समेत आसपास के कई गांव गिराव ने खूब सराहा। और इस समाज सेवी महिला के पति, जो कि पंडित दीनदयाल जंक्शन के DRM हैं, उन्होंने भी इनका साथ बखूबी निभाया। कोरोना काल में जमकर बेसहारा लोगों के लिए मददगार साबित हुए। मतलब ये साफ है कि एक ऐसे दंपति जहां भी रहेंगे मानवता को बचाने के लिए हर मोर्चे पर खड़े और डटे रहेंगे। R9 भारत के लिए KC मिश्रा की रिपोर्ट, आजमगढ़।